अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन आर्सेनिक एल्बम है, कसरत के साथ क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ कि मेरे दोस्त ये समझते हैं कि मैं आर्सेनिक के अलावा कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवाती, और मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं शायद बेल और ब्राइनिया के अलावा कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करवाती। बस आप यूँ समझ लीजिए, एक ऐसी मेडिसिन जो आपके घर में भी और आपके क्लिनिक में भी कसरत के साथ इस्तेमाल की जाती है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिन अद्वियात को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है उनमें एक आर्सेनिक एल्बम है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और इसके बेशुमार सिम्टम्स हैं। हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम ऐसा नहीं जिस पर आर्सेनिक अपना असर ना रखती हो, और अपने क्लिनिक में हम आर्सेनिक के बगैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरा चलना महाल है। मैं इस मेडिसिन के जहां पर आपको करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगी, मैं वहां कुछ अपने केसेस भी आपको बयान करूंगी कि आर्सेनिक से मैंने किस तरह मदद ली, आर्सेनिक के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ने किस तरह मेरी मदद की, आर्सेनिक की जो मोडलिटीज़ हैं वो किस तरह हमें हेल्प करती हैं, और किस तरह अल्लाह के हुक्म से अपने मरीज़ को हम शफा याब करते हैं। आर्सेनिक इतनी बड़ी मेडिसिन है कि अगर मैं सिर्फ़ एक किताब खोलकर देखकर आर्सेनिक के सिम्टम्स पढ़ना शुरू करूं तो शायद मुझे 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे लग जाए सिर्फ देखकर उनको पढ़ना, उनको बयान करना या उनकी तफसील बयान करना, ये इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको सिम्टम्स इसके बता रही हूं कि हज़ारों में आर्सेनिक के सिम्टम्स हैं, लेकिन क्लिनिकली हमने आर्सेनिक को किस तरह इस्तेमाल करना है मैंने आपको ये बताना है। अगर आप लोगों को एकोनाइट याद है तो आपको पता है कि एकोनाइट में 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं, कि एकोनाइट में रेस्टलेसनेस पाई जाती है, एंग्जाइटी पाई जाती है, फियर पाया जाता है, मौत का खौफ पाया जाता है, अकेले रहने का खौफ पाया जाता है, सड़क पार करने का खौफ, पब्लिक का खौफ। तो बिल्कुल जिस तरह एकोनाइट में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और फियर, बिल्कुल इसी तरह आर्सेनिक में ये बातें पाई जाती हैं। लेकिन आर्सेनिक में ये चीज़ें जो हैं ये एकोनाइट से कहीं ज़्यादा पाई जाती हैं, एकोनाइट से कहीं ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, एकोनाइट से कहीं ज़्यादा एंग्जाइटी पाई जाती है, और एकोनाइट से कहीं ज़्यादा मौत का खौफ पाया जाता है। एकोनाइट में भी ये बात पाई जाती है कि पेशेंट ही प्रेडिक्ट्स द डेट एंड टाइम ऑफ हिज डेथ, कि अपने मौत का वक्त और दिन बताता है कि मैं इस वक्त और इस दिन इतने बजकर इतने मिनट में मर जाऊंगा, ये एकोनाइट है। लेकिन आर्सेनिक में मौत का खौफ एकोनाइट से कहीं ज़्यादा पाया जाता है, और बेचैनी इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि उसकी ये बेचैनी उसको चैन नहीं लेने देती। आपने अगर अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या अपने क्लिनिकल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुसलसल हरकत में रहते हैं, उनको चैन नहीं आता। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि अगर कभी रात को आपको नींद नहीं आ रही और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो कभी आप दाएं करवट लेटते हैं, कभी आप बाईं करवट लेटते हैं, कभी आप सीधे हो जाते हैं, कभी आप उठ के बैठ जाते हैं, कभी आप पाइंती की तरफ चले जाते हैं, कभी सरहाने की तरफ आ जाते हैं, और कभी उठ के मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये आर्सेनिक का पेशेंट है। हर वो शख्स जो आपको बेचैन लगे और उसको किसी पल चैन ना आए, मुसलसल हरकत में रहे, दाएं बाएं पहलू बदलता रहे, तो आप पहचान लीजिए कि ये आर्सेनिक है। एंग्जाइटी कहते हैं आने वाले वक्त को सोचकर खौफज़दा होना, कि अभी वो वक्त आया नहीं और आप परेशान हो गए और आप खौफज़दा हो गए। ये मैं पिछले हफ्ते का आपको एक केस बयान करती हूँ आर्सेनिक के हवाले से, एंग्जाइटी के हवाले से। पेशेंट मेरे पास आया, एज उसकी 26 साल है, और वो जब मेरे क्लिनिक में एंटर हुआ तो उसके हाथ में एक ग्लास था। सर्दियों का मौसम है,
तो पास से ही आया था, तो मैं यही समझी कि वो चाय का कप पकड़ के सीधा मेरे क्लिनिक में आ गया है। एनी हाउ उसका अंदाज़ ये था कि वो बैठा भी नहीं और उसने खड़े खड़े अपने सिम्टम्स बयान करना शुरू किए। मैंने उसे बैठने को कहा, जब मैंने उसे बैठाया और मैंने कहा कि आपने मेडिसिन लेनी है तो फिर मैं आपकी हिस्ट्री भी लिखती हूँ, तो उसने कहा जी आप मेरी हिस्ट्री लिखिए। और उसने जो अपनी हिस्ट्री बयान की उसमें यह था कि लाहौर का कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल उसने नहीं छोड़ रखा, हर जगह से वो अपने टेस्ट करवा चुका है। जिस जगह वो रहता है उस इलाके में अगर कोई 20 डॉक्टर हैं तो 20 को वो विज़िट कर चुका है, 20 की वो दवाई खा चुका है और अपने हार्ट के टेस्ट करवा चुका है, यानी ECG करवा चुका है, इको करवा चुका है, अपने LFT करवा चुका है, RFT करवा चुका है, ब्लड के जितने टेस्ट हैं वो सारे करवा चुका है, इवन शायद वो एक्सरे वगैरह भी करवा चुका है कि एक पूरी हिस्ट्री है उसके पीछे जो वो अपने साथ लेकर चल रहा है। अब उसका मसला क्या है, कभी उसे लगता है कि शायद उसका दम घुट जाएगा, कभी उसे लगता है कि शायद उसकी बलगम जो है वो छाती में फंसी हुई है, इस वजह से वो बेचैन रहता है। लेकिन जो असल बात उसने बताई वो एंग्जाइटी के हवाले से थी कि उसने कहा कि मुझे खौफ आता है, मुझे डर लगता है कि अगर मैं अकेला रह जाऊं तो और मुझे कुछ हो जाए और मुझे डॉक्टर ना मिले तो मेरा क्या बनेगा, हो सकता मैं मर जाऊं। उसने कहा इतवार वाले दिन या हफ्ते इतवार आने से 2-3 दिन पहले ये खौफ मेरा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि इतवार वाले दिन मैं आलमोस्ट अकेला होता हूँ, हफ्ते को जो लड़का है वो अपने घर चला जाता है, तो मुझे ये परेशानी लाहक होती है कि अगर इस दौरान जब मैं अकेला हूँ घर में मुझे कोई तकलीफ़ होती है और मैं डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता और मैं मर जाता हूँ तो क्या होगा। यानी उसके जहन में अकेले रहने का भी खौफ था, उसके जहन में मरने का भी खौफ था और वो आने वाले वक्त को सोच सोच के परेशान हो रहा है। अभी इतवार आने में 3-4 दिन बाकी हैं और वो सोच सोच के परेशान हो रहा है कि अगर उसे कुछ हो गया तो क्या बनेगा, अगर वो मर गया तो क्या होगा, अगर उसका दम घुट गया तो क्या होगा। यानी ये सारी उसके साथ फीलिंग्स थी, रिपोर्ट्स उसकी सारी की सारी क्लियर थी, हर टेस्ट उसका क्लियर था, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम चूँकि होम्योपैथी में डील करते हैं इसलिए हमें पता है कि पेशेंट हमें अपने मेंटल सिम्टम्स दे रहा है और होम्योपैथी में फिज़िकल सिम्टम्स से कहीं ज़्यादा अहमियत मेंटल सिम्टम्स को दी जाती है। जब हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है और कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं आया होता तो हम फिज़िकल सिम्टम्स को सेकेंड नंबर के ऊपर रखते हैं और मेंटल सिम्टम को हम प्रायोरिटी देते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी दवा की सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए वो सारे सिम्टम्स मुझे बता रहा है, उनमें वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो मेरा जहन जो है वो आर्सेनिक की तरफ चल रहा था कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है। एकोनाइट भी आप कह सकते हैं कि मैं इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन उसके जो खौफ और उसकी जो एंग्जाइटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और वो आर्सेनिक को इंडिकेट कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो वो पेशेंट अपनी दवाई अपने हाथ में लिए फिर रहा था वो ग्लास था। मुझे नहीं पता था उस ग्लास में क्या है। मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा कि शायद वो चाय लेकर आया है, तो उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था। यानी उसने ये कहा कि मैं गर्म पानी पीता रहता हूँ तो मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। अब मैं आगे चलकर आपको आर्सेनिक के हवाले से बताऊंगी कि आर्सेनिक में गर्मी की, गर्म पानी की, गर्म अशिया की, हीट की, हॉट एप्लीकेशंस की क्या अहमियत है। लेकिन जब उसने ये बात कही कि उसके हाथ में ग्लास था तो आप समझिए दवा की सिलेक्शन तो मैं कर चुकी थी आर्सेनिक की, लेकिन जब वो ग्लास उसने बताया तो वो एक तरह से मोहर लग गई कि पेशेंट जो है हमारा आर्सेनिक का है। आर्सेनिक 1 ml मैंने उसे इस्तेमाल करवाई, एक डोज मैंने उसे दी, 8 दिन बाद मैंने उसे बुलाया, 8 दिन बाद जब वो दोबारा आया है तो उसकी वो एंग्जाइटी जो है बहुत कम थी और अपनी एंग्जाइटी के ऊपर बात करने की बजाय वो अपनी खांसी के हवाले से ज़्यादा विलिंग था कि मेरी खांसी जो है उसको आराम आना चाहिए और मेरी खांसी जो है मुझे तंग कर रही है। अभी मैंने उसे स्टिल प्लासबो दी है और साथ में मैंने खांसी का एक सीरप उसको इस्तेमाल करवाया। नेक्स्ट भी मेरा इरादा उसको आर्सेनिक एल्बम देने का है, लेकिन एनी हाउ लेट्स सी कि अगली दफ़ा जब वो आता है तो वो किस तरह आता है। तो देखिए एंग्जाइटी क्या है, मैंने एंग्जाइटी को बयान करना था और साथ में मैंने जो ये अपने केस का हवाला दिया है वो इस वजह से दिया है कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि मैं अपने क्लिनिकल केसेस को जो है वो शेयर किया करूं। तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मेरे लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबे हो जाते हैं और उसमें मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दूं तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएंगे, फिर उनकी जो एक आप कह लीजिए स्टैंडर्ड है या उनकी जो एक हकानियत है उसके ऊपर भी कुछ लोग एलिगेशन कर
सकते हैं कि जी हमें किस तरह पता चलेगा कि आप जो बता रही हैं सच बता रही हैं या आपने एक कहानी गढ़ी है या कुछ इस तरह का। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस थोड़े कम ही शेयर करूँ, लेकिन ये चूँकि रिसेंटली मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया गया कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया कीजिए, तो इस वजह से मैंने आर्सेनिक एल्बम में अपना ये एंग्जाइटी का केस पेश किया है। और आप इसको देख लीजिए कि आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 22 तारीख है, 22 तारीख से पहले एक जुम्मा आया है, 21 को वो मेरे पास आया, और 21 से पहले जो जुम्मा आया था तब मैंने उसको रजिस्टर किया और वो मेरे पास आया। आप देख लीजिए कि 8 दिन की मैंने मेडिसिन दे के फिर 8 दिन की उसको प्लासिबो दी है, नेक्स्ट जब वो आएगा तो फिर मैं उसको मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल करवाऊँगी, तब मैं प्लासिबो इस्तेमाल नहीं करवाऊँगी, मेडिसिन ही इस्तेमाल करवाऊँगी। तो एंग्जाइटी जहाँ कहीं पाई जाएगी वहाँ वहाँ आर्सेनिक आएगी। याद रखिए कि एंग्जाइटी की बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको एकोनाइट ही की मिसाल दी है, बहुत बड़ी मेडिसिन है एंग्जाइटी की, लेकिन आर्सेनिक का दर्जा एकोनाइट से ऊपर है। आर्सेनिक जो है वो एकोनाइट से थोड़े अपर लेवल की मेडिसिन है। लिहाजा अगर एंग्जाइटी के केसेस आपको मिले, फियर ऑफ डेथ के केसेस मिले, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन के आपको केसेस मिले कि मरीज़ को यूं लगे कि वो अकेला रह जाएगा, उसको तन्हाई से डर लगे, तो आप आंखें बंद कर आर्सेनिक का इस्तेमाल कीजिए। जब हमारे पास मेंटल सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो फिज़िकल सिम्टम सेकंड नंबर के ऊपर आ जाते हैं, उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं रहती। और जब रेस्टलेस के आपको केसेस मिले, पेशेंट को कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं उसको कि उसको कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर ही पहलू पे पहलू बदल रहा है, या वो आपके घर का कोई पेशेंट है या आपके अजीज़ो कारिब में से कोई है, और आप देख रहे हैं कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, बेचैनी उसको लगी हुई है। और ये जो बेचैनी लगी होती है ना, ये बड़ी वाजह होती है, ये बड़ी प्रोमिनेंट होती है। इसमें ये नहीं कि पेशेंट आपको बताएगा तो आपको पता चलेगा कि उसको बेचैनी लगी हुई है, आप अपनी आँखों से देख रहे होते हैं कि पेशेंट को बेचैनी लगी हुई है। तो जहाँ कहीं आपको बेचैनी मिले, जहाँ कहीं आपको लगे कि आपका पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की हालत में है और मुसलसल हरकत किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, पहलू पे पहलू बदल रहा है, टांग पे टांग बदल रहा है, कभी इस पहलू बैठ रहा है, कभी दूसरे पहलू बैठ रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, कभी लेट रहा है, तो ये आर्सेनिक है। आप यकीन जानिए कि मेरे क्लिनिकली एक्सपीरियंसेस आर्सेनिक के हवाले से इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं उन्हीं को बयान करना शुरू कर दूँ तो मुझे घंटों लग जाएं आर्सेनिक के फ़ायदे या अफादियत को बयान करते हुए। मैंने अपने क्लिनिकल लाइफ में आर्सेनिक से बेतहाशा फ़ायदा उठाया है। एक तो जो मैंने आपको बताया कि रेस्टलेसनेस इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंग्जाइटी पाई जाती है, और फियर ऑफ डेथ पाया जाता है, और ये फियर ऑफ डेथ की तो मैंने अभी आपको रिसेंट केस की मिसाल दी है। अब जो उसके हाथ में ग्लास था ना गर्म पानी का, अब आपको मैं वो आर्सेनिक में बयान करती हूँ। आर्सेनिक की तमाम इलामात को गर्मी से, गर्मी पहुँचाए जाने से, गर्म चीज़ों से, गर्म होने से अफाका होता है। लिहाजा आप इससे एक बुनियाद पर के मैं पेशेंट को अगर गले में दर्द है और गर्म चीज़ों से आराम आ रहा है, मैदे में तकलीफ़ और गर्म चीज़ों से आराम आ रहा है, घुटन जोड़ों में दर्द है गर्म चीज़ों से आराम आ रहा है, कंधों में तकलीफ़ और गर्म चीज़ों से आराम आ रहा है, कान में दर्द है और गर्माहट से आराम आ रहा है, दांत में दर्द है और गर्माहट से आराम आ रहा है, जहाँ जहाँ गर्माहट से आराम और सर्दी से तकलीफ़ बढ़ना आ रहा है वहाँ वहाँ आर्सेनिक आ रही है। अब आप आर्सेनिक को इस बुनियाद पर कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए, और यही वजह है कि क्लिनिकली मैं अपने अगर क्लिनिकली प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे पास अगर 80 केसेस या 100 केसेस जो हैं वो फीवर के आए हैं तो 80 केसेस मैंने आर्सेनिक से डील किए हैं। उसकी वजह क्या है कि जब पेशेंट आकर आपको ये कहता है कि वो अपने आप को ढांप कर रखना चाहता है, अपने आप को कवर करके रखना चाहता है, या इवन आप उससे सिंपली सवाल कर लीजिए, वैसे जहां पर हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जायके के हवाले से पूछते हैं, कपकपी के हवाले से, दर्द के हवाले से, हड्डियों में दर्द आ रही है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, आप पेशेंट से सिर्फ इतना पूछिए कि उसको पानी अच्छा लग रहा है, उसको पानी में हाथ डालना अच्छा लग रहा है, यानी कि अगर वो पानी में हाथ डाले तो उसको कपकपी सी फील तो नहीं होती, क्या उसका दिल तो नहीं चाहता कि वो पानी में हाथ ना डाले और पानी से अपने आप को बचा के रखे, तो ये आर्सेनिक है। क्यों? आर्सेनिक का पेशेंट जो है अपने आप को गर्म रखना चाहता है, और हमारे यहाँ जो आमतौर पर गर्मियों में या सर्दियों में पानी जो होता है वो ताज़ा पानी आता है या टैंकी का पानी आता है, तो टैंकी का पानी भी थोड़ा ठंडा होता है, तो पेशेंट जैसे ही पानी के नीचे हाथ रखता है तो पेशेंट को
सर्दी का एहसास होता है, वो पानी में हाथ नहीं डालना चाहता, तो ये आर्सेनिक है। आप अपने बहुत सारे बुखार के जो केसेस हैं वो सिर्फ आर्सेनिक से ही हल कर सकते हैं। नो डाउट, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे लिए हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि मुंह का जायका गड़बड़ तो नहीं, हड्डियों में दर्द तो नहीं आ रहा, गोश्त में दर्द नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक सिम्टम आपको ये मिलता है कि पेशेंट अपने आप को कवर करके रखना चाहता है, आप ख़ुद पेशेंट से पूछ लीजिए कि भाई जब बुखार की हालत है आप अपने आप को कवर कर रहे हैं या आपको गर्मी लग रही है और आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं। जैसे एपिस मेलिफिका है, उसका पेशेंट बुखार की हालत में कपड़ा उतार के फेंक देता है, चादर को दूर फेंक देता है, उसको घबराहट होती है। उसके बिल्कुल बरक्स आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है वो चादर को लपेट कर रखता है, अपने आप को कवर करके रखता है। क्यों? उसको ठंडक से तकलीफ़ होती है और गर्माहट से उसकी तमाम इलामत ठीक होती हैं। याद रखिए, गर्मी से हर इलामत में फ़र्क आना आर्सेनिक को इंडिकेट करता है। आप सिर्फ एक इस करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आर्सेनिक को कहीं पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर आर्सेनिक में जो एक और ख़ूबी पाई जाती है वो ये कि इसकी तमाम की तमाम दर्दें जो हैं वो इंतहाई जलनदार होती हैं। एक तो जलनदार दर्दें पाई जा रही हैं और उस पर तुर्रा ये है कि उन जलनदार दर्दों को गर्माहट से ही आराम आ रहा है। जब गर्माहट से आराम आए आर्सेनिक, दर्दें तकलीफ जो हैं वो जलनदार हैं, आपकी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक है। फिर आर्सेनिक की तमाम इलामत रात के वक्त बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो वक्त है वो आर्सेनिक की एग्रवेशन का वक्त है, यानी मिड नाइट एग्रवेशन जो है वो आर्सेनिक में पाई जाती हैं। एक और मैं आपको आर्सेनिक का करैक्टरिस्टिक सिम्टम बता दूं, इसके साथ मैं आपको अपने छोटा सा एक केस भी बता दूं जो मैंने बड़ी ही कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक शायद मैंने हल कर लिया था, कि आर्सेनिक में ना बुझने वाली प्यास पाई जाती है, बेतहाशा प्यास पाई जाती है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट जो पानी है वो घूंट घूंट पीता है। अब देखिए कि ना बुझने वाली प्यास, लार्ज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ब्राइनिया में भी पाया जाता है। ब्राइनिया के पेशेंट में भी बेतहाशा प्यास पाई जाती है। और हम ब्राइनिया और आर्सेनिक में फ़र्क कहाँ करते हैं कि ब्राइनिया का पेशेंट जो है पानी की बोतल को या ग्लास को मुंह लगाता है और घटाघट पीता है, और आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो कभी भी घटाघट पानी नहीं पीता, वो बार बार पानी मांगेगा, ग्लास बेशक अपने हाथ में रखे लेकिन घूंट घूंट पानी पीता है। तो अगर आप अपने पेशेंट से ये हिस्ट्री लेते हुए पता करते हैं कि उसको प्यास तो नहीं लगती और वो कहे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या माँ कहे कि बच्चा बार बार पानी पीता है, तो आप लाजमी तौर पर पूछिए कि पानी किस अंदाज़ में पीता है, घूंट घूंट पानी पीता है या एकदम से पानी चढ़ा लेता है। तो जहाँ घूंट घूंट पानी आएगा वहाँ आर्सेनिक आएगी, और ये आर्सेनिक का इतना बड़ा करैक्टरिस्टिक है कि आप इस एक घूंट घूंट के ऊपर कहीं पे भी आर्सेनिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने जिल्द के हवाले से केस बयान करना चाहूँगी कि 3-4 साल की बच्ची थी, और बच्ची जो थी माशाल्लाह इंतहाई गोरी चिट्टी, में आपको बता नहीं सकती कि उसका रंग किस तरह का था। उसका सारा चेहरा जो है वो गल गया था, यानी होंठ के किनारों से जो है वो जिल्द उसकी गलना शुरू हुई और फैलती फैलते उसके जो आप कह लीजिए चीक्स इन्वॉल्व हो गई, उसकी चिन इन्वॉल्व हो गई, और बच्ची जितनी प्यारी थी, जितना प्यारा उसका कलर था, बच्ची की सूरत उतनी ही करी हो गई, यानी उसको देखकर कराहियत का एहसास होता था। तो बच्ची के वालिद उसको मेरे पास लेके आए, बच्ची को हल्का फुल्का बुखार भी था। अब इतनी जिल्द की बिगड़ी हुई हालत देखकर फौरी तौर पर आप आर्सेनिक की तरफ नहीं जा सकते हैं। बच्ची की जब मैंने केस टेकिंग की तो बच्ची को चूंकि बुखार भी था, तो जिस तरह मैंने कहा कि हम लाजमी पूछते हैं कि बच्चे को बुखार में प्यास है कि नहीं है, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि बच्ची को प्यास है, तो उसके वालिद ने कहा जी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन बच्ची जो है घूंट घूंट पानी पीती है, एकदम ज़्यादा नहीं पीती। अब यकीन जानिए कि इस एक सिम्टम के ऊपर कि बच्ची घूंट घूंट पानी पीती है, मैंने आर्सेनिक 30 का इस्तेमाल करवाया। मुझे नहीं याद कि 3 दिन की दवाई दी या 4 दिन की दवाई दी, लेकिन मुझे इतना पता है कि 8 दिन से ज़्यादा मैंने दवाई नहीं खाई। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से बच्ची का सारा चेहरा जो है वो साफ़ हो गया। बाद में उन्होंने मुझसे दवाई ली कि वो जो निशान रह गए थे उसके, उनको दूर करने के लिए मैंने कुछ दिन आर्सेनिक मज़ीद इस्तेमाल करवाई। आज भी वो बच्ची माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 24 साल की तो होगी वो बच्ची, या 25 साल की होगी, अपने उसके 2 बच्चे हैं, और उसके चेहरे के ऊपर वो जो बचपन की बीमारी थी उसका नामो निशान नहीं था। और मैं जब इस तरह के केसेस बयान करती हूँ ना, तो फिर सुनने वाले कहते हैं कि आपका
तुक्का लगा या आपने तीर तुक्का लगाया या आपने ऐसी बात हवा में फेंकी, तो ये एक वजह होती है कि मैं अपने जो केसेस हैं ना कामयाब, मैं उनको शेयर नहीं करती हूँ यहाँ पर, इसलिए कि मुझे पता है कि हमारी होम्योपैथी मिरेकल करती है, जादू करती है। और बाद अवकात हमारी होम्योपैथी हमें वो जैसे कहते हैं ना की लकीरें हमसे लगवाती है और हम सिंपल एक केस हल करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो ये आर्सेनिक का जो घूंट घूंट पानी पीना था वो उस बच्ची की जिल्द की अलामत को दूर कर गया। इसके बाद आर्सेनिक जो है जिसमें जिन चीज़ों में मैंने सबसे ज़्यादा आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाया है वो टाइफाइड बुखार हैं। आज भी मेरे पास वो हिस्ट्री भी मौजूद है, मेरे पास केसेस मौजूद हैं। मैंने जब से क्लिनिकल काम शुरू किया है मैंने अपनी कोई डायरी कभी ज़ाया नहीं की, मेरे पास बिगड़े हुए टाइफाइड के केसेस आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से वो शिफा याब हो के जाते हैं। और मेरे पास अगर टाइफाइड के हवाले से ज़्यादा पेशेंट आए हैं तो ये नैनसुक साइड की तरफ से आए हैं, मेरी दोस्त वहाँ पे रहती थी तो फिर उसके आगे रिश्तेदार वगैरह, उनमें जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो वो मेरे पास लाहौर में आ जाते हैं। और मैंने जो टाइफाइड के बिगड़े हुए केसेज हैं वो आर्सेनिक से दूर किए हैं। टाइफाइड अगर ठीक भी हो गया, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो मलेरिया बुखार है, चाहे वो डेंगी बुखार है, चाहे वो कोरोना है, याद रखिए कोई भी ऐसी बीमारी जो देर तक जिस्म के अंदर रहे और जिस्म के अंदर तबाही और बर्बादी करते रहे, आपके सिस्टम को ख़राब करती रहे, और उसके बाद जो नकाहत आती है, जो कमज़ोरी आती है, जो निढाल होने की कैफियत आती है, वो सारी की सारी कंडीशन आर्सेनिक से कवर होती हैं। यानी प्रोस्ट्रेशन, निढाल होना, एग्जॉशन, बिल्कुल ख़त्म हो जाना आपकी कुव्वत का, इस कदर शिद्दत के ऊपर पाया जाता है कि आपकी जो वाइटल फोर्स है, जो आपकी हरारत ग्रेजी है, वो एक तरह से ख़त्म हो के रह जाती है। लिहाजा इस कंडीशन को आर्सेनिक कवर करती है। अगर आपको ये हिस्ट्री मिले कि पेशेंट इससे पहले एक तवील बीमारी में रहा है तो आप उसमें आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाइए। ये मत देखिए कि मर्ज क्या है, एक तवील अरसे तक पेशेंट जो है बीमारी में रहा, उसके बाद उसकी कमज़ोरी, उसकी नकाहत दूर नहीं हो पा रही है, अब आर्सेनिक को 8-10 दिन इस्तेमाल करवाइए, पेशेंट रिकवर कर जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आती हूँ, फियर ऑफ डेथ की तरफ आती हूँ, तो मुझे याद आया अभी मैंने जो नाम लिया डेंगी और कोरोना का नाम लिया, तो मैंने पहले भी अपने किसी एक लेक्चर में कहा था कि मैंने उस वक्त आर्सेनिक को कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जब अभी किसी की तरफ से आर्सेनिक के इस्तेमाल होने की आवाज़ नहीं आई थी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने आर्सेनिक को क्यों इस्तेमाल करवाया था कोरोना के पेशेंट के लिए। मैंने प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर आर्सेनिक फ्री डिस्ट्रीब्यूट की थी अपनी फैमिली में, अपने पेशेंट्स में, अपने मिलने जुलने वालों में, सिर्फ एक उसके सिम्टम फियर ऑफ डेथ की बुनियाद पर। जब कोरोना को पाकिस्तान में लाया गया, फैलाया गया या जो कुछ भी किया गया, एक खौफ की फ़ज़ा पैदा की गई, एक पैनिक कंडीशन पैदा की गई। और आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के टेस्ट जब शुरू में पॉजिटिव आ रहे थे तो लोगों ने खुदकुशियां भी कर ली कि उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, या हॉस्पिटल में उनके साथ जिस तरह का बर्ताव होगा या उनके साथ क्या कंडीशन आएगी, एक खौफ की हालत थी जो उनके जहनों पर तारी कर दी गई थी, और लोगों ने खुदकुशियाँ करके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपनी जान दे दी थी। तो एक खौफ और एक एंग्जाइटी की कैफियत इस तरह लोगों के जहन में पैदा कर दी गई थी कि हर बंदा अपने साए से भी डरने लगा था, अपने घर में अपने बहन भाइयों से डरने लगा था। वालदा की अगर डेथ हो रही थी तो सगे बच्चे माँ की मैयत के पास नहीं आ रहे थे, जवान औलाद की डेथ हो रही थी तो माँ और बहन भाई उसके पास नहीं आ रहे थे। तो एक ऐसी पैनिक कंडीशन क्रिएट कर दी गई थी कोरोना के हवाले से, उसका खौफ फैलाकर मीडिया के ज़रिए, कि हर बंदा जो है एंग्जाइटी का शिकार हो गया था और उसके जहन में फियर ऑफ डेथ बैठ गया था। ये फियर ऑफ डेथ एक ऐसा सिम्टम उस वक्त मैंने अपने जहन में, मेरे जहन में जो क्लिक किया था, जिसकी बुनियाद पर मैंने आर्सेनिक को प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करवाया था। तो देखें, जब मेंटल सिम्टम आते हैं वहाँ हमारी मेडिसिन जो है कोई भी बन रही होती है, चाहे वो आर्सेनिक बन रही है, चाहे वो एकोनाइट बन रही है, वहाँ हम उसको इस्तेमाल करवा देते हैं। मैंने यहाँ तक सुना कि लोगों ने सिपिया को भी इस्तेमाल करवाया कि सिपिया की पेशेंट जो है अपने चाहने वालों से नफरत करती है या अपने चाहने वालों से दूर हो जाती है, लिहाजा कोरोना की हालत में क्योंकि चाहने वाले अपनों से दूर हो रहे थे, लिहाजा किसी ने सिपिया को भी इस सिम्टम के ऊपर इस्तेमाल करवाया है। तो
वापस मैं पलटती हूँ प्रोस्ट्रेशन की तरफ, के शदीद नकाहत पाई जाती है, शदीद कमज़ोरी पाई जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पेशेंट में नकाहत इस दर्जा तक सराहियत कर गई होती है कि जब वो नॉर्मल होता है, यानी बैठी हुई हालत में होता है या लेटी हुई हालत में होता है, तो उसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितनी कमज़ोरी पाई जा रही है। लेकिन जैसे ही उठकर मूव करता है तो वो खुद हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि उसके अंदर इतनी कमज़ोरी और इतनी नकाहत पाई जा रही है कि वो मूव नहीं कर पाता है। तो लिहाजा जब नकाहत अपने पीक के ऊपर चली जाए, जब निढाल होना अपने पीक के ऊपर चला जाए और उसके साथ पेशेंट बेचैन भी बहुत ज़्यादा है, मुसलसल हरकत करना चाह रहा है और ख्वाहिश करता है हरकत करने की, तो वहाँ हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाते हैं। दमा की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है वो आर्सेनिक है। ख़ास तौर पर अगर रात के वक्त दमा का अटैक होता है और उसमें ज़्यादती होती है और गर्म चीज़ों से जो पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है, तो वहाँ हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैं कुछ जुमले बोलने लगी हूँ, इन जुमलों को गौर से सुनिएगा और उसके बाद आर्सेनिक को अपने जहन में रखते जाइएगा। गला सरा गोश्त खाने के बाद असरात। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में बैठे बैठाए बर्ड फ्लू को प्लांट कर दिया जाता है और मुर्गी के गोश्त के हवाले से ये कहा जाता है कि जी बर्ड फ्लू आ गया और ये सारा कुछ हो गया। तो जब बर्ड फ्लू आया था उस वक्त भी जो दवाई बनती थी वो आर्सेनिक एल्बम बनती थी। लिहाजा गली सरी अशिया खाने के बाद कोई भी बद असरात आते हैं, फूड पॉइजनिंग आती है या डायरिया की कंडीशन आती है या हैदे की कंडीशन आती है, वहाँ पर आप आर्सेनिक को मत भूलिए। गला सरा गोश्त हो या गली सरी गज़ा हो, वहाँ पर आर्सेनिक को आपने नहीं भूलना। शराब पीने के बाद, तंबाकू चबाने के बाद, गर्मियों में पानी वाले फलों का कसरत के साथ इस्तेमाल करने के बाद अगर हैज़ा हो जाए या डायरिया हो जाए या वॉमिटिंग शुरू हो जाए, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इनमें पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिहाजा अगर पानी वाले फलों का इस्तेमाल करने के बाद, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करने के बाद कोई ख़राबियाँ पैदा होती हैं तो हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाते हैं। इस तस्काई कंडीशन में आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि गर्मी से आराम, गर्म चीज़ों से आराम, आर्सेनिक का जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि माथे के ऊपर लगा वो झूमर है जिसको आपने कहीं नहीं भूलना है। आर्सेनिक के जितने भी अखराजात हैं, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम है, चाहे वो लकोरिया है, चाहे कान में से मवाद बह रहा है या कहीं और से मवाद बह रहा है, तो वो सारे के सारे अखराजात बदबूदार होते हैं, तेज़ाबी होते हैं और छीलन पैदा करने वाले होते हैं। यही वजह है कि कुराइज़ा में जब नाक बहता है और नाक जो है उसमें से तेज़ाबी पानी बहता है और बहुत ज़्यादा छींके आती हैं, पानी की तरह नज़ला बहता है, पतला नज़ला होता है और गर्मी से आराम आ रहा होता है, तो वहाँ हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाते हैं। ये गर्मी से आराम मैंने इसलिए कहा है कि अगर नज़ला ज़ुकाम है, छींके हैं, पानी जो है नाक में से बेतहाशा बह रहा है और आप खुली हवा में चले जाते हैं तो आपकी मेडिसिन इलियम सीपा हो जाती है, आप बंद कमरे में आ जाते हैं तो आपकी मेडिसिन नेट्रोमेयर हो जाती है, और अगर आप अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपने आप को ढांप लेते हैं तो आपकी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक हो जाती है। या इस नज़ला ज़ुकाम में अगर आपको गर्म चाय से आराम आ रहा है, गर्म दूध पीने से आराम आ रहा है, तो आपकी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक हो जाती है। आर्सेनिक की तमाम इलामात जो हैं वो साल के साल पलट कर वापस आती है, यानी इसमें नौबत पाई जाती है। अनीमिया में आर्सेनिक का बहुत बड़ा रोल है। अगर कहीं भी आपको अनीमिया मिले, ख़ासतौर पर पर्निशियस अनीमिया मिले जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो वहाँ आप आर्सेनिक को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि टाइफाइड बुखार की बेहतरीन दवा है, इसी तरह मलेरिया बुखार की वजह से पैदा होने वाली कमज़ोरी, और यही इसीलिए मैंने आपको डेंगू का भी कहा कि डेंगू बुखार की वजह से पैदा होने वाली कमज़ोरी जो है वो आर्सेनिक से कवर होती है। जिस समय अगर सेप्टिक हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर भी आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाया जाता है। मेदे की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है वो आर्सेनिक है। ख़ास तौर पर ऐसी बदहज़मी जो कि सिरके की वजह से हो, तेज़ाबी चीज़ों की वजह से हो, आइसक्रीम खाने से मैदा ख़राब हो, ठंडा बर्फ़ वाला पानी पीने से ख़राब हो, तंबाकू खाने से ख़राब हो, तो वहाँ हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत लंबा हो गया मेरा लेक्चर, चूँकि मैंने इसमें अपने दो केसेस भी बयान कर दिए, इस वजह से उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप अगर चाहें तो अपने
क्लिनिक में आर्सेनिक से बेतहाशा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यकीन जानिए कि मैंने अभी इतना मुख्तसर किया है इस लेक्चर को कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको पता हो और आप उसको पॉइंट आउट भी करें कि आपने इस पहलू पे रोशनी नहीं डाली। तो आर्सेनिक एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, मैंने आपको क्लिनिकली उसका बताया है कि चंद एक चीज़ें आर्सेनिक के लिए याद रख लीजिए, ये जो मैंने आपको बताई हैं। ख़ासतौर पर मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, ये जो डाइसेक्टिंग वूंड लगते हैं ना, यानी चीर फाड़ जिन औजार के साथ की जाती है, जैसे हमारे जो आप कह लीजिए कि ये पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर गलती से वो औजार आपके अपने जिस्म के ऊपर लग जाए या आपको उसका कट लग जाए, तो उसकी वजह से जो कैफियत पैदा होती है या उसकी वजह से जो परेशानी आपको आ सकती है, वहाँ आप आर्सेनिक का इस्तेमाल कीजिए। तो आर्सेनिक अगर आप उसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, कॉजेशन की बुनियाद पर, कॉजेशन यानी आपने फलों पानी वाले फल इस्तेमाल कर लिए, आपने गली सरी गिज़ा का इस्तेमाल कर लिया, तो पीछे कॉज आ गया ना आपके पास, तो उसकी वजह से चाहे कोई सिम्टम आपके सामने आ रहे हैं, चाहे फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, आर्सेनिक आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। शुक्रिया।